सो गाइस तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज का टॉपिक होने वाला है कि जब हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, जैसे कोई भी मंगाते, स्पीकर मंगा लिया या फिर आईफोन मंगा लिया या फिर कोई भी फ़ोन मंगा लिया, अमेजन पे ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, स्नैपडील पे किया, कोई भी मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग है उस पर हमने जो भी ऑर्डर किया है, तो अगर उसमें फ्रॉड निकल आता है, जैसे कि मैंने आज वीडियो डाली थी, आज नहीं मतलब कल वीडियो डाली थी चैनल पर कि आईफोन 11 है वो एक फ्रॉड निकला है, क्लोन होता ना आईफोन की कॉपी होती है, वो कॉपी निकल आई है जब भी जो भी उसने ऑर्डर किया था अमेजन पर, अमेजन के ऊपर ये काम हो रहा है। अमेजन इंडिया में नंबर 1 है, ये तो सभी को पता है। अगर आपका भी आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि आप कुछ भी ऑर्डर करें और आपका कुछ भी निकला है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आगे लेकर आता रहता हूँ। तो गाइज नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइज करते हैं आज के टॉपिक पर बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी फ़ोन ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको देखना कि रिप्लेसमेंट वारंटी है या नहीं है, या फिर रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। ये हम ऑर्डर करने से पहले देख सकते हैं कि कितने दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी है, या फिर रिटर्न होगा या नहीं होगा। रिटर्न नहीं होगा तो आप देख लेना। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने कोई भी फ़ोन ऑर्डर किया है तो सबसे पहले आपको यही देखना है रिप्लेसमेंट का, रिटर्न का पंगा, मतलब कितने दिन का रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है। अगर आपने आईफोन ऑर्डर किया है और आईफोन पर रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है, तब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने ऑर्डर कर दिया है और आपके पास कोई भी आइटम आए, जैसे कि आपने कोई महंगा आइटम ऑर्डर किया है, आईफोन का एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि आपने आईफोन ऑर्डर किया है और उस पर रिटर्न या रिप्लेसमेंट की पॉलिसी नहीं है, तो आप क्या करोगे। जैसे कि आपने आईफोन ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद वो वहाँ से चलेगा, जो भी आप ऑर्डर करते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो ना ही आपके पास अमेजन पे ऑर्डर करते हैं तो अमेजन आपके पास प्रोडक्ट नहीं भेजता है, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट आपके पास प्रोडक्ट नहीं भेजता है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेलर होते हैं वे सेलर आपके पास प्रोडक्ट भेजते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सेलर ही अपनी साइड से गलत भेज दे, और ऐसा भी नहीं कि सेलर गलत ना भेजे, दोनों सी बातें हो जाती है। क्या पता सेलर आपके पास सामान सही सेंड करे और बीच में जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो भी गड़बड़ कर दे, क्या पता सेलर ही गलत सामान सेंड करे आपके पास और डिलीवरी बॉय आपके पास सही सामान सेंड करे, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कोई भी सामान ऑर्डर किया है अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, आपने आईफोन ऑर्डर किया है तो वो आईफोन आपको पहले मतलब वहाँ से चलेगा, सेलर आपके पास सेंड कर देगा, वो आने के बाद जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके पास वो पैकेट आपका लेके आएगा जो भी आपने ऑर्डर किया है, और आईफोन का हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो जैसे कि वो आएगा आपके पास तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसकी वीडियो बना लेनी है। आपके पास डिलीवरी बॉय खड़ा होगा और आपने महंगा आइटम ऑर्डर किया है, जैसे कि आईफोन का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, आईफोन आपने ऑर्डर किया था और डिलीवरी बॉय जो है वो ऑर्डर को लेकर आ जाता है, वो आने के बाद आपका महंगा आइटम है तो आपको उसकी वीडियो बनानी चाहिए उसी के सामने। जब आप उसको पैकेट को ओपन करोगे तो पैकेट को ओपन करते वक्त आपको वीडियो शूट कर लेनी चाहिए। एक तो आपका जो डिलीवरी बॉय है उसका नाम पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब नेम क्या है इसका, मतलब आपका नेम क्या है। तो डिलीवरी बॉय का नेम पूछने के बाद आपको मतलब उसको पास खड़े रखना है और उसी के पास आपको वीडियो बनानी है। एक मिनट के अंदर यार पैकेट ओपन हो जाएगा, आपकी वीडियो बन जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये यार थोड़ा मतलब ऐसे आपका खुद का प्रोटेक्शन हो जाता है एक प्रकार से कि डिलीवरी बॉय के सामने मैंने खोला है, उसमें डिलीवरी बॉय का चेहरा भी हमने वीडियो के अंदर दिखाया है, और डिलीवरी बॉय का चेहरा दिखाने के बाद हम पैकेट ओपन कर रहे हैं वो भी वीडियो के अंदर सब कुछ आ रहा है। तो रिटर्न पॉलिसी नहीं है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है, बट आपके पास एक सबूत हो जाता है कि हमने जो सामान ऑर्डर किया था पीछे से वो सामान हमारे पास नहीं आया है, तो हम उसको रिटर्न कर पाएंगे, क्योंकि जो अमेजन होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, उनके कस्टमर केयर के नंबर भी होते हैं, तो आप वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि सर मेरे पास वीडियो प्रूफ है, डिलीवरी बॉय जो पैकेट देने आया था उसका फेस भी वीडियो के अंदर है, और जब हमने पैकेट ओपन किया है वो भी हमने पूरा वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है, और हमने आईफोन ऑर्डर किया था और हमारे पास ये आया है, जो हमने ऑर्डर किया था वो हमारे पास नहीं पहुंचा है। ये सब आप वीडियो के थ्रू उनको बता सकते हैं कि हमारे पास पूरा पूरा सबूत है इस बात का, तो वो आपका वापस हो जाएगा, वापस होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा सचेत रहना है और थोड़ा दिमाग से काम लेना है जब आप किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई भी सामान,
तो इस प्रकार का थोड़ा है मतलब ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपका लॉस ना हो। सो गाइस तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।